नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ अनोखी हत्या नॉवल का पार्ट 12। इसके बाकी के 11 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अनोखी हत्या नॉवल का पार्ट 12। पॉलिसी कब ली थी उसने? मेरे ख्याल से 2 मार्च को। कमाल है, विवेक आचार्य को तो तुमने बताया था कि संजना 7 मार्च को यहां पहुंची थी। मैंने ऐसा नहीं कहा था। हो सकता है मैंने किसी और संदर्भ में कोई बात कही हो जिसे समझने में उससे गलती हुई हो। अनामिका की मौत की खबर पाकर संजना 28 फरवरी की रात को ही यहां आ गई थी, और आने के 2 दिन बाद ही उसे अपना बीमा करवाना इतना जरूरी लगने लगा कि उसने घर में फैले मातम का भी लिहाज नहीं किया। ऐसा नहीं था, वो काफी पहले से बीमा लेना चाहती थी। इत्तफाक से उस रोज दयानंद यही मौजूद था, तो उसने उससे फॉर्म साइन करवा लिए थे ये कहकर कि जरूरी जानकारियां वो बाद में खुद भर लेगा। तभी आशीष के मोबाइल की घंटी बजी, राजीव का फोन था। बोलो। उसने कॉल अटेंड की। मैंने संजना शुक्ला की पॉलिसी के पेपर हासिल कर लिए हैं, उसमें सिर्फ एक बात ऐसी है जिसकी हमें खबर नहीं थी। क्या? पॉलिसी में बतौर नॉमिनी चंद्रप्रकाश का नाम दर्ज है, ना कि संजना की माँ का। ठीक है, मुझे मेल कर दो, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस आनन फानन में संजना ने पॉलिसी ली, उसी आनन फानन में उसकी जान चली गई। यूं चली गई जैसे वो पॉलिसी लेने के लिए ही जिंदा थी। इस बारे में बहस करने का क्या फायदा, जो हुआ है वो तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। क्या यह भी महज इत्तेफाक है कि पॉलिसी में संजना की माँ की बजाय तुम खुद नॉमिनी हो? कैसे जाना, वो बड़बड़ाया सा बोला। कैसे भी जाना, जवाब दो मेरी बात का, नहीं देना चाहते तो साफ मना कर दो। इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है, वो दयानंद की शरारत थी। जिसके बारे में मालूम हुआ तो मैंने उसकी जी भरकर लानत मलानत की थी। तब उसने कहा था कि नॉमिनी कभी भी चेंज किया जा सकता है। उसने वादा किया था कि पॉलिसी इश्यू होने के बाद वो बतौर नॉमिनी संजना की माँ का नाम दर्ज करवा देगा, मगर बाद में तो उसकी नौबत ही नहीं आई। दयानंद इंश्योरेंस एजेंट होने के अलावा भी कोई धंधा करता है? हाँ, उसकी सौंदर्य प्रसाधन बनाने की कंपनी है, जिसमें नेल पॉलिश से लेकर फेस क्रीम तक बनाई जाती है। सुना है उसके धंधे में भी कोई भेद है? कैसा भेद? जैसे कि अपने यहाँ बनी किसी क्रीम पर लैक्मे का लेबल लगाकर बेच देना, किसी लिपस्टिक पर लॉरियल का लेबल लगा देना, वगैरह वगैरह। सब बकवास है, ऐसा भी कहीं होता है? जिसने भी ये तुम्हें खबर दी है सरासर झूठ बोला है। जिस रोज संजना की मौत हुई, दयानंद उसी फ्लाइट में सफर कर रहा था, इसकी जानकारी है तुम्हें? हाँ है, उसी के बताए मुझे मालूम हुआ था कि फ्लाइट में वो किसी लड़के के साथ खूब बोल बतिया रही थी। अब जैसा कि हमें मालूम है, वो लड़का विवेक आचार्य था। यानी संजना की मौत की खबर तुम्हें उससे नहीं मिली थी? नहीं, वो कहता है कि फ्लाइट लैंड करते ही सबसे पहले बाहर निकलने वाला पैसेंजर वो खुद था, इसलिए उसके पीठ पीछे वहां क्या घटित हुआ था उसे नहीं मालूम। गीता अरोड़ा की मौत के वक्त तुम कहाँ थे? तुम्हें खूब पता है कि मैं उस वक्त कहाँ था। छोटा सा तो गाँव है, तुम्हें क्या लगता है कोई गाँव में किसी के बारे में पूछताछ करता फिरेगा और उस शख्स को खबर तक नहीं लगेगी? अब जरा अनामिका की मौत पर आओ। हमारी जानकारी कहती है कि जिस सीट पर वो सफर कर रही थी वो संजना के नाम से बुक थी। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों कर था? अगर उसने गांव आना ही था तो उसने अपने नाम से रिजर्वेशन क्यों नहीं कराया? फिर लाख रुपए का सवाल ये कि गांव आने को तैयार होकर स्टेशन पहुंची संजना ने ऐन मौके पर अपना इरादा बदल क्यों दिया? क्या पता क्यों बदल दिया, तब ये बात हमें मालूम नहीं थी। और आज इस सवाल का जवाब देने के लिए दोनों में से कोई लड़की जिंदा नहीं है। पुलिस को शक है कि गीता अरोड़ा का कत्ल इसलिए किया गया ताकि संजना की मौत को भी हत्या का जामा पहनाया जा सके, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संजना की मौत आत्महत्या साबित होने की सूरत में तुम लोगों को 1 करोड़ का क्लेम नहीं मिलता। ऐसे में क्या ये बात समझाने की जरूरत है कि कत्ल का सबसे तगड़ा उद्देश्य किसके पास था? नहीं, मगर किसी के कह देने और साबित करके दिखाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तुम मुझे कोई ऐसा तरीका सुझा दो जिसके जरिए मैं यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में गीता को मौत के घाट उतार सकता था, तो मैं अभी अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। तो दोनों लड़कियों की मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? दोनों? तुमने दोनों कहा? उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल गए।
ये कहते वक्त भूल गए कि संजना मेरी सगी भांजी थी, जो हमारे घर में देवी मानी जाती है। घर में कोई त्योहार आता है तो सबसे पहले उसे खाना खिलाया जाता है, उसके बाद कोई अपने मुंह में निवाला डालता है। शुक्र करो भैया कि इस वक्त तुम हमारे मेहमान हो, वरना इस बात पर मैं तुम्हारी जुबान खींच लेता। थोड़ी देर के लिए मेहमान नवाजी भूलकर अपने मन की हसरत पूरी क्यों नहीं कर लेते? नहीं कर सकता, ई बनारस है, आज भी यहाँ अतिथि देवो भव का पाठ पढ़ाया जाता है और लोग उस पर अमल करके खुद को धन्य मानते हैं, इसलिए इस वक्त तो तुम्हारे 100 गुना माफ है। और कुछ पूछना चाहते हो? दफा होने का इशारा कर रहे हो? अरे नहीं भाई, तुम मेरे सिर आंखों पर, वो तो तुमने मेरी भांजी के बारे में बोला इसलिए मुंह से निकल गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। फिलहाल तो मेरा मतलब ये था कि अगर तुम्हारी पूछताछ पूरी हो चुकी हो तो खाना तैयार है, चलकर ग्रहण करो, मैंने तुम्हारे इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया है। आशीष का वहां खाना खाने का कोई इरादा नहीं था, मगर चंद्रप्रकाश के मुंह से निकला आखिरी फिकरा सुनकर उसने हामी भर दी। 4 बजे के करीब चंद्रप्रकाश के बुलावे पर आखिरकार दयानंद यादव नारायणपुर पहुंचा। वो मुश्किल से 28 के बेटे में पहुंचा हुआ खूब सजा धजा युवक था। चेहरा लंबा था, आंखें चढ़ी हुई थी। आशीष को लगा वो उस वक्त भी ड्रिंक किए हुए था। वो बड़े ही प्रेम भाव से आशीष से मिला। चंद्रप्रकाश ने बताया कि तुम मुझसे कुछ पूछताछ करना चाहते हो। है तो ऐसा ही, अगर तुम जवाब देने से इनकार ना कर दो। कैसी बात करते हो भैया, यू आर बिटवीन फ्रेंड्स, जो भी पूछना चाहते हो बेझिझक पूछो। जिस रोज संजना की मौत हुई तुम उसी फ्लाइट में सफर कर रहे थे। मुझे मालूम हुआ है कि सफर के दौरान किसी वक्त तुम जाने अनजाने संजना से यूं टकरा गए थे कि उसका पर्स नीचे जा गिरा था। तुम्हारी आधी बात सच है, मैं उस फ्लाइट में सफर जरूर कर रहा था, मगर संजना से टकराने वाली बात गलत है। वो कोई और लड़का था जो उस वक्त टॉयलेट जा रहा था, जब अचानक ही फ्लाइट के डगमगाने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और उसी वक्त उठकर खड़ी हुई संजना से टकरा गया। वो नजारा मैंने देखा था, जो हुआ था अनजाने में हुआ था, किसी के साथ भी हो सकता था। इस बाबत पुलिस ने भी मुझसे पूछताछ की थी, लेकिन पुलिस तो कहती है तुमने उनके सामने स्वीकार किया था कि फ्लाइट के भीतर संजना से टकराने वाले लड़के तुम ही थे। बकवास करती है पुलिस, और मान लो अगर ऐसा हो भी गया था तो इसमें कौन सी आफत आ गई? कुछ नहीं, छोड़ो उस बात को, संजना की मौत के बारे में क्या कहते हो? पुलिस कहती है कि उसने आत्महत्या की थी। तुम्हारी निजी राय क्या है इस बाबत? घर से ऑफिस ज्वाइन करने जा रही लड़की को अचानक आत्महत्या की क्या सूझी? और सूझी तो उसके लिए साइनाइड जैसा तेज जहर क्यों कर उपलब्ध था उसके पास, और था भी तो उसने सीधे सीधे जान क्यों ना दे दी? आत्महत्या को इतना हैरत अंगेज बनाने की क्या जरूरत थी? पुलिस के बाद में उसकी लाश को उठाकर जेल में बंद कर देती, ऐसा कहीं होता है? फिर हैरानी है कि इतनी सी बात पर दिमाग खपाने की पुलिस ने जरूरत नहीं समझी। मामले का जो पहला हल उन्हें दिखाई दिया उसी को सच मान लिया, ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि लड़की की मानसिक स्थिति कैसी थी, उसके सामने कोई ऐसी समस्या तो नहीं थी जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी थी। वे लोग तो जैसे इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह से ये पता चल जाए कि वह असंभव काम संभव कैसे हुआ हो सकता है। मगर अफसोस कि इसी दौरान उसकी सहेली गीता अरोड़ा का भी कत्ल हो गया, जो कि मरकर उनके लिए 100 दुश्वारियां खड़ी कर गई। जरा काम करने का ढंग तो देखो अपनी दिल्ली पुलिस का, उस बेचारे वकील को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि दोनों मौतें उसके सामने हुई थी। अब वो आजाद है, जरूर होगा, आखिर वकील था, उसकी जगह कोई दूसरा होता तो जाने कब का पुलिस वाले उससे गीता अरोड़ा के कत्ल का इल्जाम कबूल करवा चुके होते। पुलिस से कुछ खास ही खुंदक खाए दिखते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मगर पुलिस कहीं की भी हो, देश के किसी भी कोने की हो, इस तरह की पैंतरेबाजी दिखाने से बाज नहीं आती। कभी उनकी चल जाती है तो कभी नहीं चलती, जैसे कि इस बार नहीं चली। देखो पुलिस कुछ भी कहे, मगर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि संजना ने आत्महत्या की थी। अभी तक उसके बारे में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जो इस बात की तरफ इशारा भर करती हो कि वो पस्ती के आलम में थी। फिर मैं तुम्हारी इस बात से पूरा पूरा सहमत हूँ कि अगर उसने आत्महत्या ही करना था तो सीधा और सरल तरीका अपनाने की जगह इतने पेचीदे तरीके से अपनी जान क्यों देती? गुड, फिर तो तुम इस बात को अपने अखबार में जगह दो ताकि इंसाफ हो सके, मजलूम को उसका हक मिल सके और संजना की पॉलिसी का क्लेम उसके परिवार को हासिल हो सके, जो कि इन लोगों का हक है। इस लाइन पर मैं पहले से काम कर रहा हूँ भाई, तभी यहाँ मौजूद हूँ, मगर हमारे चाहने और कैबर देने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी भी ये राज अपनी जगह कायम है कि कातिल ने उसे जहर कैसे दिया। जब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ जाता इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। यानी इंसाफ नहीं होने वाला? होगा, हमेशा होता है, कभी कभी वक्त ज्यादा लग जाता है,
आखिरकार तो होकर रहता है। वो भी देखेंगे भाई, मुझे तो अब जरा भी यकीन नहीं है। तुमने आरएम फार्मास्यूटिकल्स का नाम सुना है? न सिर्फ सुना है बल्कि उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरा जानकार भी है। तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें चंद्रप्रकाश ने कुछ नहीं बताया? नहीं, उसने चंद्रप्रकाश की तरफ देखा। क्या छिपा रहे हो यार? छिपाने लायक कुछ नहीं है, कहकर उसने एचडी कार्ड से रिलेटेड फोन कॉल्स के बारे में दयानंद को बताया। सुनकर वो एकदम से गंभीर दिखाई देने लगा। तुम्हारे उस जानकार डिस्ट्रीब्यूटर्स का नाम क्या है? सुजीत प्रजापति। क्या वो संजना को जानता रहा हो सकता है? संजना के नाम और उसकी नौकरी से तो यकीनन वाकिफ होगा। एक बार जब वो मेरे साथ यहाँ आया था तो संजना भी आई हुई थी। तब दोनों के बीच काफी सारी बातें हुई थी। तभी ये भेद खुला था कि सुजीत का भतीजा संजना की कंपनी में उसके साथ ही काम करता था। अच्छा, क्या नाम है भतीजे का? राहुल प्रजापति। आशीष के दिमाग में फौरन घंटी सी बजी। उससे मुलाकात का कोई रास्ता निकाल सकते हो? भतीजे से? अरे नहीं भाई, मैं सुजीत प्रजापति की बात कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ, कहकर उसने मोबाइल पर कोई नंबर डायल किया। फिर कुछ देर की बातचीत के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आज तो संभव नहीं है, वो परिवार के साथ इलाहाबाद गया है। अगर तुम परसों तक रुक सको तो मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवा दूंगा। वो तो खैर संभव नहीं है, क्योंकि मैंने आज ही शाम को वापस लौटना है। बहरहाल जरूरत पड़ी तो मैं फिर आ जाऊंगा। अब तुम एक मेहरबानी करो, कहीं से एयरपोर्ट के लिए टैक्सी का इंतजाम कर दो। अरे कार है ना मेरे पास, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। खामखा तकल्लुफ में मत पड़ो, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। मगर दयानंद नहीं माना, उसके पुरजोर इसरार पर आशीष को उसकी कार में बैठना ही पड़ा। चंद्रप्रकाश की वजह से मैंने तुमसे झूठ बोला था, रास्ते में दयानंद बोला। उस रोज फ्लाइट में संजना से टकराने वाला शख्स मैं ही था, मगर यकीन जानो वो महज एक हादसा था। चंद्रप्रकाश के सामने मैंने वो बात इसलिए कबूल नहीं की क्योंकि वो थोड़ा खपती किस्म का इंसान है, उसे वो बात फौरन बुरी लग जाती। वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, एकदम पक्का वाला। ऐसा दोस्त जिसके एक इशारे पर मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की जान तक ले सकता हूँ। संजना की पॉलिसी में बतौर नॉमिनी चंद्रप्रकाश का नाम डालने के पीछे भी कहीं ये दोस्ती वाला जज्बाई तो नहीं था? नहीं भाई, वो हट्टी कट्टी कम उम्र लड़की थी। मुझे क्या सपना आना था कि वो यूं मौत का निवाला बन जाएगी, जो मैं चंद्रप्रकाश को उसका नॉमिनी बनाकर फायदा कराने की कोशिश करता। फिर क्या वजह थी? बताता हूँ, हालांकि तुम यकीन नहीं करोगे, फिर भी बताता हूँ। दरअसल नॉमिनी का नाम लिखते वक्त ही मुझे सूझा था कि संजना की माँ का नाम तो मुझे मालूम है नहीं। मैंने चंद्रप्रकाश को कॉल करने की कोशिश की मगर उसका नंबर नहीं लगा। तब मैंने ये सोचकर चंद्रप्रकाश का नाम डाल दिया कि बाद में वो अगर एतराज करेगा तो नॉमिनी का नाम बदलवा दूंगा। आशीष को एयरपोर्ट ड्रॉप करके दयानंद वापस लौट गया। तब तक 6:30 बज चुके थे। वहां से दिल्ली की आखिरी फ्लाइट 9 बजे की स्पाइस जेट की ही फ्लाइट थी, जिसका दिल्ली पहुंचने का ऑन रिकॉर्ड टाइम 10:45 का था। स्पाइस जेट के काउंटर पर पहुंचकर उसने टिकट हासिल की, जो सुबह के मुकाबले दोगुनी कीमत में मिली। जिस पहेली को सुलझाने की खातिर उसने दिल्ली से वाराणसी तक का सफर किया था, वो सुलझने की बजाय अब पहले से ज्यादा उलझी हुई दिखाई देने लगी थी। नए हालात में उसे स्टार फार्मा की बाबत शिद्दत से सोचना पड़ रहा था कि कहीं लड़की की मौत में सचमुच उसकी कंपनी का हाथ तो नहीं था। अगर था तो यकीनन संजना शुक्ला की मौत हमेशा हमेशा के लिए पहेली बनकर रह जाने वाली थी। दिल्ली पहुंचकर एयरपोर्ट से उसने सीधा आईटीओ का रुख किया, जहां टाइम्स ऑफ इंडिया के एन बगल वाली बिल्डिंग में खबरदार का ऑफिस था। अखबारों का दफ्तर आमतौर पर रात के 2 बजे तक चलता था, इसलिए उस वक्त तमाम स्टाफ वहां मौजूद था। वो अपने कमरे में पहुंचा और चपरासी को बुलाकर कॉफी लाने भेजने के बाद एक सिगरेट सुलगाकर कश लगाने में मशगूल हो गया। तभी आयशा भगत ने उसके कमरे में कदम रखा। हेलो आशीष, वो चहकती हुई बोली और एक कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गई। हेलो मैम, हाउ आर यू? एकदम मस्त। वो तो खैर तुम्हारी सूरत से ही दिख रहा है, बहुत खूबसूरत, खिली खिली सी लग रही हो। कोई खास बात है आज? बॉयफ्रेंड से मिलकर आ रही हूँ, अगर इसे खास समझते हो तो है, वरना नहीं है। फिर तो होठों का रंग रोगन उससे मिलने के बाद किया होगा। मैं समझी नहीं। लिपस्टिक एकदम चटक दिखाई दे रही है, अगर बॉयफ्रेंड से मिलने से पहले लगाया होता तो अब तक ये अपनी चमक खो चुकी होती। आखिर आधी लिपस्टिक मर्दों के पेट में ही तो जाती है। यू मीन अगर उसने मुझे किस किया होता तो? आजकल के लड़के का किस से भला क्या होता है, वो तो सुंदरियों के होठों पर यूं टूटते हैं जैसे बिल्ली मलाई पर टूटती है। चपर चपर चप चप, आशीष ने होंठ चटकाए। शट अप,
ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। रवि बहुत डिसेंट है, बहुत मैनर्स वाला है, कहकर वो क्षण भर को खामोश हो गई। फिर विनोद भरे स्वर में बोली, इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो अभी तक जिंदा है। तुम्हें किस करने वाला जैनुम रसीद हो जाता है तो कुछ ऐसा ही, वो मुदित मन से बोली। तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ, मैं अपने होठों पर जो लिपस्टिक लगाती हूँ वो जहर बुझी होती है। ये बात तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि कभी भूले से भी तुम खुद ऐसी कोई। बोलते बोलते अचानक वो चुप हो गई। आशीष हक बकाया सा आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। अरे तुम तो सच में डर गए मालूम होते हो। बहुत ज्यादा डर कर कांप रहा हूं, जवाब में वो जोर से हंसी। अनामिका के बारे में कुछ पता लगा? उसके चुप होने के बाद आशीष बोला, हाँ लगा, उम्मीद से कहीं जल्दी पता चल गया। वो आखिरी बार 27 तारीख को अपने हॉस्टल के कमरे में देखी गई थी। उसके सामने के कमरे में रहने वाली रजनी भार्गव नाम की एक लड़की का कहना है कि उस शाम 6 बजे के करीब वो अपनी कजन से मिलने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गई थी। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। अगले रोज 28 तारीख को रजनी भार्गव बहुत देर से सोकर उठी थी। 11 बजे के करीब जब उसने अपने कमरे से बाहर कदम रखा तो अनामिका के कमरे पर मदस्तूर ताला लटक रहा था। यानी बीती रात रेलवे स्टेशन से वो वापस नहीं लौटी थी। तब मैंने भी यही अंदाजा लगाया था, मगर इत्तेफाक से वहां एक ऐसी लड़की से मेरी मुलाकात हो गई जो उसी फ्लोर के तीसरे कमरे में रहती है। रजनी से मुझे बातचीत करती देखकर वो मेरे करीब चली आई। उसने बताया कि बीती रात वो 11:30 बजे के करीब हॉस्टल वापस लौटी थी, तब अनामिका के कमरे पर ताला नहीं लगा हुआ था। इसका क्या मतलब हुआ? वो हैरान होता हुआ बोला, रात को किसी वक्त लड़की वापस वहां लौट आई थी या उसने चाबी किसी और को दे दी थी जो कि उस वक्त उसके कमरे में मौजूद था, कोई ऐसा जो अगले रोज 11 बजे से पहले वहां से कूच कर गया था। यार ये तो कोई एक नई घुंडी पैदा कर दी तुमने इस केस में। मेरी जानकारी ये कहती है कि बहन की बजाय उसकी सीट पर वो खुद वाराणसी के लिए रवाना हो गई थी। बाद में सफर के दौरान ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गई। इस बात की पुष्टि पहले ही हो चुकी है। तो फिर समझ लो कि उस रात अनामिका की बजाय उसकी बहन वापस लौटी थी, जो कि सुबह या रात को ही किसी वक्त वहां से चलती बनी थी। उसके पास रोहिणी में अपना ठिकाना था, वो कजन के हॉस्टल में जाकर क्यों रुकती? वहां से कोई जरूरी सामान लेने आई होगी, कहकर वो अपने पर्स में कुछ टटोलने लगी। फिर एक छोटी सी डायरी का उपरला वर्का फाड़ कर आशीष को थमाते हुए बोली, इस पर अनामिका के साथ साथ रजनी और उस दूसरी लड़की का मोबाइल नंबर दर्ज है, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। शुक्रिया, यू हैव डन ए गुड जॉब, जो कि मेरे बस का नहीं था। कम से कम इतनी जल्दी तो ये काम मैं किसी भी हाल में नहीं कर सकता था। मुझे तुम्हारा शुक्रिया कबूल है, वो हंसती हुई उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। तभी चपरासी कॉफी रख गया। आशीष के दिमाग में अभी भी साएं साएं हो रही थी। जहर बुझी लिपस्टिक का अक्स उसके दिमाग में खलबली मचा रहा था। कत्ल का एकदम अनोखा तरीका, जिसमें शिकार कब मौत के मुंह में समा जाएगा इस बात से कातिल भी वाकिफ नहीं हो सकता। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि कत्ल करने के लिए उसका अपने शिकार के पास मौजूद होना हरगिज भी जरूरी नहीं था। उसने तो बस एक जहर बुझी लिपस्टिक तैयार करके कातिल के व्यक्तिगत सामान तक पहुंचाने भर की मशक्कत करनी थी। उसके बाद सिर्फ इंतजार करना था। जिस दिन भी उसकी शिकार लड़की वो लिपस्टिक लगाती, उसका जान से जाना तय था। वैसे भी लड़कियों की एक खास आदत होती है, लिपस्टिक को होठों पर लगाने के बाद दोनों होठों को एक बार खींचकर मुंह के अंदर ले जाती हैं, ताकि लिपस्टिक अगर कहीं आड़ी तिरछी लग गई हो तो बराबर हो जाए। ऐसे में कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स या पानी पीने के दौरान घुलती हुई लिपस्टिक का पेट में पहुंच जाना महज वक्त की बात होती, और जहर अगर साइनाइड जैसा खतरनाक हो तो फिर बात ही क्या थी। फिर तो उसका मरना एकदम तय था। सोचता सोचता वो यूं आंदोलित हुआ कि खामोश बैठा नहीं रह सका। उसने सुधीर राय को फोन किया। पता चला वो तभी अपने घर पहुंचा था। सुधीर, मुझे एक ऐसे काम में तुम्हारी मदद की जरूरत है जो असल में तुम्हारा ही काम है। मदद ऑफिशियली करनी है? हाँ ठीक है भाई, वो एक लंबी आह भरकर बोला। हेडक्वार्टर पहुंचो, मैं भी 15-20 मिनट में बीवी को समझा बुझा कर पहुंचता हूँ। आखिरी फिक्रा उसने कुछ ऐसे ढंग से कहा कि आशीष की हंसी छूट गई। आशीष ने अपनी कॉफी खत्म की, फिर उठ खड़ा हुआ। पहले उसका इरादा प्रेस रुकवाने का था, ताकि हासिल जानकारी को अगले रोज के अखबार में जगह दी जा सके, मगर कुछ सोचकर उसने अपना इरादा बदल दिया। ऑफिस से निकलकर वो पैदल ही पुलिस हेडक्वार्टर की ओर रवाना हो गया। दोनों लगभग आगे पीछे वहां पहुंचे थे और इस वक्त सुधीर राय के कमरे में मौजूद थे। आशीष ने सबसे पहले उसे अपने ताजा तरीन खोज के बारे में बताया, जिसे सुनकर सुधीर ऐसा भौचक्का हुआ कि तुरंत उससे कुछ कहते नहीं बना। देखो,
आखिरकार वो बोला, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने कत्ल का एक नायाब तरीका खोज निकाला है। मुझे यकीन है कि ऐसा ही हुआ होगा, मगर मुसीबत यह है कि जो हुआ है उसे साबित करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। मरने वाली दोनों लड़कियों का सामान उनके घर वालों को सौंपा जा चुका है, जिनमें से संजना शुक्ला का तकरीबन सारा सामान उसकी चिता के साथ जला दिया गया था। इसकी हमें खबर है। क्या वही हाल गीता अरोड़ा के घर वालों ने उसके सामानों का नहीं किया होगा? क्या पता नहीं किया हो। वो जलंधर की रहने वाली थी, अगर नहीं भी किया हो तो इसका पता हमें फौरन कैसे लग सकता है? आशीष ने उसे घूर कर देखा। लगता है घर से मार खा कर आए हो, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। बकवास मत करो, कहकर उसने सरोजनी नगर थाने में फोन लगाया। गीता अरोड़ा के परिजनों को उन लोगों ने ही हैंडल किया था। वहां से उसे गीता के पिता का मोबाइल नंबर हासिल हो गया। सुधीर ने उस नंबर पर फोन करके उन्हें अपना मंतव्य समझाया। आगे जो जवाब हासिल हुआ वो बहुत सुकून देने वाला था। पता चला कि गीता का सारा सामान अभी भी ज्यों का त्यों उसके रोहिणी वाले कमरे में महफूज था। वो पर्स भी वहीं था जो कि स्वागत में गीता अपने साथ लेकर गई थी। तत्काल भरत नाम के एक सब इंस्पेक्टर को वहां के लिए इस निर्देश के साथ रवाना कर दिया गया कि उस कमरे में लाल रंग से मिलती जुलती जितनी भी लिपस्टिक की ट्यूब्स मिले उन्हें काबू में कर लेना था, और इस सावधानी के साथ कि अगर उन पर कोई फिंगरप्रिंट्स थे तो वो मिटने ना पाए। इसके बाद सुधीर ने पुलिस की फॉरेंसिक टीम के इंचार्ज को वो बात बताई और उससे बाकायदा रिक्वेस्ट की कि उस काम को हाथ के हाथ अंजाम दिया जाए। इसके बाद उसने एसआई भरत को फोन करके बताया कि उसने लिपस्टिक बरामद करने के बाद उसे फौरन फॉरेंसिक लैब ले जाना था और उनकी जांच का नतीजा हासिल करके ही वापस लौटना था। लाल रंग की क्यों? आशीष पूछे बिना नहीं रह सका। क्योंकि उस रोज जो लिपस्टिक गीता अरोड़ा के होठों की शोभा बढ़ा रही थी वो लाल रंग की थी। लड़की के कमरे में मौजूद तमाम लिपस्टिक्स को चेक करते करते तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। जैसे तुम्हें मालूम है कि वहां ढेर सारी लिपस्टिक होंगी। भाई, ये बात तो आज की नौजवान नस्ल की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। जिस रंग के कपड़े पहनते हैं उसी रंग की लिपस्टिक, उसी रंग की ज्वेलरी, उसी रंग की चप्पलें, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट भी मैचिंग का चाहिए उन्हें। इसलिए मुझे लगता है वहां लिपस्टिक की भरमार होगी। दम तो है तुम्हारी बात में। उसने जेब से सिगरेट का मुड़ा तुड़ा पैकेट बरामद किया और दो सिगरेट सुलगाने के बाद एक सुधीर को थमा दिया। एक बात अभी तक समझ में नहीं आई। सुधीर ने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया। मान लो जांच में ये बात साबित हो जाती है कि किसी एक लिपस्टिक की ट्यूब में साइनाइड मिला हुआ है, इससे कातिल का पता कैसे चलेगा? अब ये मत कहना कि वो काम कोई भी कर सकता है, क्योंकि लिपस्टिक को तोड़कर उसमें जहर मिलाने के बाद उसे पहले वाली शेप दे देना किसी आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि कातिल ने लिपस्टिक पर साइनाइड का लेप लगा दिया होगा, क्योंकि उस सूरत में या तो लिपस्टिक का कलर बदल जाता या फिर लिपस्टिक के साथ मिक्स करने की कोशिश में उसकी शेप खराब हो जाती। दोनों ही बातें यूजर को अजीब लग सकती थी। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं होती अगर दोनों लड़कियां वैसी लिपस्टिक को यूज ही नहीं करती। तुम्हारी बात एकदम जायज है। लिपस्टिक में जहर मिक्स करना एक ऐसा काम है जो हर कोई नहीं कर सकता, और यही वो इकलौती बात है जो एन कील ठोक कर बोलेगी कि फलाना शख्स कातिल है। तुम्हें मालूम है कि कातिल कौन है? कोई कॉफी वॉफी मंगाओ यार, तुम तो दिनों दिन कंजूस होते जा रहे हो, जबकि कॉफी का बिल सरकारी खजाने से अदा होना होता है। सुधीर ने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला, फिर इरादा बदल दिया। इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने किसी को दो कॉफी भेजने को बोल दिया। जानते हो, तुम्हारी ये आदत मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। मौका हाथ लगते ही भाव खाना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं है, इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यही है कि लिपस्टिक वाली बात जहन में आते ही मैंने तुम्हें उसके बारे में बता दिया। मजबूरी में बताया, इसलिए बताया क्योंकि तुम जानते थे कि फौरन से पेशतर वो काम पुलिस ही करा सकती है। तुम खुद कोशिश करते तो शायद कोई तिकड़म लगाकर दो चार दिन में अपने मतलब की बात जान लेते, लेकिन इतना सब्र तुम्हारे भीतर कहाँ है? बावजूद इसके मैं शुक्रिया बोलता हूँ। अब बताओ, कातिल कौन है या कौन हो सकता है? दयानंद यादव का नाम तो सुना होगा तुमने। न्यू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट? वही। उसमें क्या खूबी है? खूबी यह है कि वो महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली एक कंपनी का मालिक है। अब तुम खुद सोचो, ऐसे आदमी के लिए एक जहर भरी लिपस्टिक खुद तैयार कर लेना क्या बड़ी बात होगी? उसकी कंपनी के बारे में कैसे जाना? आशीष ने बताया। संजना का जो 1 करोड़ का बीमा है वो भी इस दयानंद के घोड़े ने ही किया था। फसादी इतना कि पॉलिसी में संजना की माँ को नॉमिनी बनाने की बजाय चंद्रप्रकाश का नाम दर्ज करवा दिया। और पॉलिसी भी कैसी, जो यूं आनन फानन में ली गई जैसे मालूम हो कि आने वाले चंद दिनों में लाइफ एश्योर्ड ने मरना ही मरना था।
क्या मतलब हुआ इसका? पॉलिसी लेने से पहले ही संजना के कत्ल का प्लान तैयार किया जा चुका था। लगता तो कुछ ऐसा ही है, मगर ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतरती कि चंद्रप्रकाश ने दयानंद के साथ मिलकर अपनी भांजी की मौत का सामान किया था। हासिल जानकारी के बूते पर जितना मैं उसके बारे में अंदाजा लगा सकता हूँ, उससे तो यही जाहिर होता है कि संजना और उसकी माँ चंद्रप्रकाश को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थी। ऐसे में संजना का कत्ल दयानंद यादव का वन मैन शो क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके हेर फेर के बावजूद बीमे की रकम चंद्रप्रकाश को मिलनी थी, ना कि दयानंद को। अब अगर भांजी की मौत में चंद्रप्रकाश का हाथ नहीं है तो दयानंद उसे 1 करोड़ में हिस्सा बटाने को कैसे मजबूर कर सकता है? वो क्या चंद्रप्रकाश से जाकर ये कहेगा कि ला भाई 50 लाख मुझे दे दे, क्योंकि तेरी भांजी का मैंने कत्ल नहीं किया होता तो ये रुपए तुझे नहीं मिले होते। ऐसा कहीं होता है? एग्जैक्टली, यही वो बात है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि संजना और गीता अरोड़ा का कत्ल दोनों की मिलीभगत का नतीजा है। गीता अरोड़ा के कत्ल से 2 रोज पहले चंद्रप्रकाश ने विवेक आचार्य को ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि उसने गीता अरोड़ा के कमरे की तलाशी लेने का ना सिर्फ मौका हासिल कर लिया, बल्कि तलाशी के काम को गीता की अनुपस्थिति में चंद्रप्रकाश के साथ मिलकर अंजाम दिया था। जिसकी असल वजह यही हो सकती है कि वो गीता के निजी सामानों में लिपस्टिक की जहरीली ट्यूब रखना चाहता होगा। यानी गीता अरोड़ा के कत्ल की वजह तब पैदा हुई जब अचानक ही पुलिस ने संजना के कत्ल को आत्महत्या घोषित कर दिया। अगर पुलिस ने ऐसा नहीं किया होता तो गीता अरोड़ा का कत्ल नहीं हुआ होता। लगता तो यही है, जरूर चंद्रप्रकाश ने उस बाबत न्यूज में सुना होगा। ये जानकर उसके होश उड़ गए होंगे कि संजना की मौत को आत्महत्या करार दिया जा रहा है। उन हालात में उसे अपनी 1 करोड़ की रकम, अगर 2 पार्टनर थे तो 50 लाख, डूबती हुई दिखाई देने लगी। यानी गुनाह बेलज्जत। तब आनन फानन में दिल्ली पहुंचकर उसने गीता के कत्ल का इंतजाम किया। उद्देश्य यही था कि सेम पैटर्न पर हुई उसकी हत्या के मद्देनजर संजना की मौत को भी कत्ल का मामला मान लिया जाता। कहानी क्या सुनाई थी उसने वकील को? उसे महज कहानी कहना तो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि उस बात का वजूद स्थापित हो चुका है। उस सिलसिले में वाराणसी एयरपोर्ट से मुझे अगवा तक कर लिया गया था। सुधीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्या हुआ था? जवाब में आशीष ने उसे आरएम फार्मा और स्टार फार्मा से संबंधित तमाम कहानी सुना दी। कमाल है, सुनकर वो बोला, पुलिस को तो केस के इस एंगल की भनक तक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उस कहानी पर ना तो विवेक आचार्य को अभी यकीन आया और ना ही मुझे, मगर वाराणसी में जो कुछ भी मेरे साथ घटित हुआ वो सोचने पर मजबूर कर रहा है कि कहीं चोरी वाली बात सच तो नहीं थी, कहीं सचमुच संजना की हत्या में उसकी कंपनी का हाथ तो नहीं था। अगर ऐसा था तो फिर चंद्रप्रकाश और दयानंद तो बेकसूर हुए। लिपस्टिक की जांच रिपोर्ट आने दो, उसके बाद ही इस बारे में कोई फैसला करना उचित होगा। कॉफी और सिगरेट, फिर सिगरेट और फिर कॉफी, बीच बीच में केस के बारे में डिस्कस करते हुए दोनों वक्त गुजारते रहे। आखिरकार 2 बजे एसआई भरत के कदम वहां पड़े। आते ही उसने रिपोर्ट के साथ लिपस्टिक की 1 ट्यूब सुधीर राय के हवाले कर दी। जनाब, ये वही इकलौती लिपस्टिक है जो मृतका के पर्स में थी, इसलिए सबसे पहले इसी को चेक किया गया। इसके ऊपरी हिस्से को खुरच कर जांच की गई तो नतीजा वही निकला जो कि हम चाहते थे कि निकले। लिपस्टिक की खुरचन में 25% पोटेशियम साइनाइड पाया गया है। लैब इंचार्ज कहता है कि इस लिपस्टिक को चाट भर लेने से इंसान की जान जा सकती है। थैंक यू भरत, अब तुम घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, रुकना चाहो तो बैठ जाओ। उसने दूसरी बात को तरजीह दी, एक कुर्सी खींचकर आशीष के बगल में बैठ गया। लिपस्टिक पर लैक्मे का लेबल लगा हुआ है, सुधीर उसे उलटता पलटता हुआ बोला। ऐसे में दयानंद की फैक्ट्री में ईजाद की गई लिपस्टिक तो नहीं हुई? बराबर हुई। इत्तफाक से मुझे मालूम है कि दयानंद अपने कारखाने में बनी इस तरह की चीजों पर किसी नामचीन कंपनी का लेबल लगाकर बेचता है। वैसे पुलिस चाहे तो ऐसा कोई जरिया तलाश कर सकती है जिससे ये साबित हो सके कि ये लिपस्टिक लैक्मे ने तैयार की है या नहीं। जरिया तो लैक्मे ही है, वही लोग दावा कर सकते हैं कि ये उनका प्रोडक्ट है या नहीं। मेरे ख्याल से लैक्मे हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही एक ब्रांड नेम है। अब समस्या ये है कि उनसे जानकारी हासिल करने में वक्त लगेगा, तब तक क्या हम कातिलों को यूं ही आजाद घूमने दें? तुम ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकते। दयानंद और चंद्रप्रकाश की गिरफ्तारी का इंतजाम तो तुम्हें फौरन से पेशतर करना होगा। क्या पता दयानंद की फैक्ट्री की तलाशी लेने पर ऐसी कोई और ट्यूब बरामद हो जाए। नहीं भी हुई तो गिरफ्तारी के बाद वे दोनों भी तो कुछ बकेंगे। सुधीर ने कुछ क्षण उस बात पर विचार किया। मैं एसीपी साहब से बात करता हूँ। तुम्हारा महकमा है, तुम जानो, आशीष उठता हुआ बोला। गुड नाइट। कैसी नाइट और कैसा गुड भाई, आज की रात तो अब सोना नसीब होने से रहा। आशीष हौले से हंसा,
फिर सुधीर और भरत से हाथ मिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियों के दहाने पर पहुंचकर वो ठिटक गया। उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। वो वापस घूमकर सुधीर के कमरे में पहुंचा, जो कि उस वक्त फोन पर किसी से बातें करने में व्यस्त था। आखिरकार जब वो फारिग हुआ तो आशीष ने उसे आयशा से हासिल अनामिका का नंबर नोट करवा दिया। इस नंबर की 27 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक की लोकेशन का पता लगवाना है। अब ये कौन सा नया खटराग है? तुम पता तो करवाओ, क्या पता तुक्के में कोई काम की जानकारी हाथ लग जाए, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। 17 मार्च 2015। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर 6 लोगों की एक टीम का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई संदीप कौशिक नाम का एक इंस्पेक्टर कर रहा था, जो कि हाल ही में तरक्की पाकर SI से इंस्पेक्टर बना था। वक्त बचाने के लिए पूरी पुलिस टीम को बाजरिया फ्लाइट वाराणसी के लिए रवाना कर दिया गया। 11 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के जवान वाराणसी पहुंच चुके थे। आगे उनका मुकाम सर्कल ऑफिसर प्रवीण सिंह का ऑफिस था, जिसकी सहायता से उन्हें इस ऑपरेशन को अंजाम देना था। CO ने जरूरत के मुताबिक 8 लोकल पुलिस के जवानों को उनके साथ भेज दिया, जो कि वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। लिहाजा दिल्ली पुलिस को अनजान शहर में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में किसी भी प्रकार की अड़चन का सामना नहीं करना पड़ा। दोनों अभियुक्तों को लगभग एक ही वक्त में उनके ठिकानों सहित हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद दयानंद की फैक्ट्री की तलाशी शुरू हुई। वहां लिपस्टिक का बहुत बड़ा स्टॉक रखा हुआ था, जिसमें कोई जहरीली लिपस्टिक छिपाई गई हो इस बात का यकीन किसी पुलिस अधिकारी को नहीं था, इसलिए स्टॉक का बस सरसरी तौर पर मुआयना भर किया गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि वहां रखे किसी बॉक्स पर कोई शिनाख्ती निशान तो नहीं लगा हुआ था या कोई बॉक्स दूसरे बॉक्स से अलग तो नहीं था। कारखाने में ही एक तरफ कदरन खुली जगह में शीशे के पार्टीशन वाला एक कमरा बना हुआ था, जिसके दरवाजे पर ऑफिस की चिट लगी हुई थी। भीतर एक बड़ी मेज रखी हुई थी, जिस पर LCD मॉनिटर और उसके बगल में ही एक प्रिंटर रखा हुआ था। पुलिस ने कंप्यूटर का हार्ड डिस्क अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद मेज की दराजों को चेक करने की कोशिश की गई तो उसे लॉक पाया गया। तब दयानंद को, जो कि पहले से उनकी गिरफ्त में था, ताला खोलने को मजबूर किया गया। भीतर से लैक्मे की लिपस्टिक की 2 ट्यूब्स और सफेद पाउडर से भरा एक पैकेट बरामद हो गया, जिसके साइनाइड निकल आने की पूरी पूरी संभावना दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को थी, लिहाजा दराज से बरामद सभी चीजें जब्त कर ली गई। जाति बार की तरह पुलिस अधिकारियों की वापसी आसान साबित नहीं हुई। उन्हें वाराणसी से दिल्ली तक का सफर इनोवा में सड़क के रास्ते तय करना पड़ा, जो कि बेहद थका देने वाला काम साबित हुआ। तो दोस्तों, ये था अनोखी हत्या नॉवल का 12वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।